एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एडोटी वंस अगेन। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो अभी यूपीपीएससी नर्सिंग 2022 मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो आप लोगों का ये जो मॉप अप राउंड का शेड्यूल है वो 13 को ही रिलीज हो गया था। एज यू कैन सी यहाँ पर लिखा हुआ है दैट यूपी नर्सिंग 2022 टाइम शेड्यूल फॉर बीएससी एमएससी एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग मॉप अप राउंड, राइट। यहाँ पर इसकी ये डेट्स दी गई हैं आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह से रिलेटेड। तो मॉप अप राउंड के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो आपका 13 से लेकर 17 तारीख तक का है, एंड उसके बाद ऑनलाइन फीस सबमिट करने की भी डेट आपकी 13 से 17 की है। देन आपका सिक्योरिटी मनी सबमिट करने की जो डेट है वो भी 13 से 17 तक है। मतलब 13 से 17 को लेकर आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन फ़ी और सिक्योरिटी फ़ी सबमिट करनी है, ये तीनों ही काम करनी है। देन इसके बाद आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी जो कि आपकी होगी 20 से लेके 22 तारीख तक, राइट। देन 24 को आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा दैट किसको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ। उसके बाद आप लोगों को 26 से लेके 28 तक फाइनल आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, एंड जो भी आपका अलॉटेड कॉलेज होगा वहाँ पर आपको एडमिशन लेना है। तो ये तो हो गया नॉर्मल शेड्यूल जो आप लोगों ने सबने देख भी लिया होगा, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी ऐसे हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया लेकिन उन्हें कॉलेज अच्छा नहीं मिला, फिर सेकंड में किया, अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या वो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो कौन एलिजिबल है इसके लिए, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो एक बार इनको रीड कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका वही है दैट जिस किसी ने भी जो भी सीईटी का एग्ज़ाम है दिया होगा वही एलिजिबल होगा इसके लिए। देन यहाँ पे लिखा हुआ है मॉप अप राउंड हेतु वही अभ्यर्थी अर्य होंगे जिन्हें यूपी नर्सिंग काउंसलिंग 2022 के प्रथम अथवा द्वितीय चक्र के द्वारा कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है। मतलब जिन्होंने भी फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, सेकंड में पार्टिसिपेट किया लेकिन उन्हें कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ, तो वो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हो सकता है अभी कोई सीट्स खाली हो तो मॉप अप राउंड में आप लोगों को कोई कॉलेज अलॉट हो जाए। देन थर्ड पॉइंट है यूपी नर्सिंग काउंसलिंग 2022 की प्रथम अथवा द्वितीय काउंसलिंग से बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में आवंटन प्राप्त प्रवेशित अप्रवेशित त्याग पत्र देने वाले अभ्यर्थी मॉप अप राउंड के लिए अर्य नहीं होंगे। मतलब कि जिन्होंने मान लीजिए फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया और उन्हें कोई ना कोई कॉलेज भी अलॉट हो गया और आपने वहाँ एडमिशन ऑलरेडी ले रखा है, तो वो बच्चे अब मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जिन्हें कोई कॉलेज नहीं मिला है फर्स्ट और सेकेंड में, सिर्फ वही बच्चे मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ऑल राइट, आई होप अब ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि मॉप अप राउंड के लिए कौन एलिजिबल है। बाकी पॉइंट्स वही नॉर्मल है कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फ़ी और सिक्योरिटी फ़ी कितना होगा, एंड नॉर्मल आप लोगों का जो भी कट ऑफ होगा वो यही होगा दैट अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% होना चाहिए, यानी 80 मार्क्स जिसका है तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, एंड एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए जिसका भी 30% यानी 60 मार्क्स है तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।